आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बाय डायरेक्ट मेथड ज्ञात करना सीखेंगे। आप सभी को याद होगा कि पिछली कक्षा में हम आंकड़ों को अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटनों यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ऊन मंडी में स्थित 30 दुकानों में रखे गए ऊन की अलग अलग बोरियों की संख्याओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम यथा प्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा कहते हैं। इन आंकड़ों की सहायता से क्या आप बता सकते हैं कि कितनी दुकानों में 18 ऊन की बोरियां हैं? बिल्कुल सही। इस प्रकार की समस्याओं के हल के लिए हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का उपयोग करना पहले ही सीख चुके हैं, जिसे निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सारणी को देख हम बता सकते हैं कि 18 बोरियों वाली कुल 4 दुकानें हैं। यदि आपसे कहा जाए कि इन अवर्गीकृत आंकड़ों से इनका माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं? माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या का भाग करते हैं, यानी प्रत्येक प्रेक्षण एक्स आई को उसकी संगत बारंबारता एफ आई से गुणा कर उनके गुणन एफ आई एक्स आई का योग 674 में बारंबारताओं एफ आई के योग 30 का भाग देते हैं, जिसे हल करने पर माध्य लगभग 22.46 प्राप्त होता है, जहां सिग्मा चिन्ह का अर्थ है योग यानी समेशन करना। लेकिन ध्यान रहे, यह विधि तब तक ही उपयोगी है जब आपके पास दैनिक जीवन की स्थितियों में आंकड़े छोटे हो। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो तो हमें क्या करना होगा? आइए उपर्युक्त उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। आंकड़े अधिक होने के कारण हम उन अवर्गीकृत आंकड़ों को समूहों में वर्गीकृत यानी बांट करके इन्हें छोटा कर देते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से बता सकते हैं कि हमारे पास न्यूनतम बोरियों 13 और अधिकतम बोरियों 34 हैं। इसलिए वर्गीकृत आंकड़ों की चौड़ाई को 5 का वर्ग अंतराल बनाकर उन्हें वर्गीकृत आंकड़ों में बदल देते हैं, जहां पहला अंतराल 10 से 15, दूसरा अंतराल 15 से 20 है और इसी प्रकार अंतिम अंतराल 30 से 35 का होगा। लेकिन ध्यान रखिए, वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं निर्दिष्ट यानी कि अलोकेटिंग फ्रीक्वेंसीज करते समय किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा में आने वाला प्रेक्षण अपने से अगले वाले वर्ग अंतराल में लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल 10 से 15 के बीच 5, 15 से 20 के बीच 8 और अंतिम अंतराल 30 से 35 के बीच 8 दुकानें होंगी और इसी आधार पर एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी का निर्माण करते हैं। चूंकि हमें इन आंकड़ों की सहायता से माध्य ज्ञात करना है, इसलिए हमें एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता होगी जो प्रत्येक वर्ग अंतराल का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करे। अतः हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को उसका प्रतिनिधि मान सकते हैं, जिसे एक्स आई से दर्शाते हैं। यहाँ हम सारणी से देख सकते हैं कि पहले वर्ग अंतराल के लिए मध्य बिंदु 12.5 हैं और इसी प्रकार सभी वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी मध्य बिंदुओं का गुणन इनकी संगत बारंबारताओं से कर इनके योगफल 685 में इनकी बारंबारताओं के योग 30 का भाग देने पर दिए हुए आंकड़ों का माध्य लगभग 22.83 प्राप्त होता है। माध्य ज्ञात करने की इस विधि को प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड कहते हैं। यहां हम सारणी 1 व 2 में समान आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, परंतु फिर भी हमें इन दोनों से माध्य का मान अलग अलग प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा माध्य अधिक सही है? बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि 22.46 बिल्कुल सही माध्य है, जबकि 22.83 एक सन्निकट माध्य है।
इस प्रकार हम किन्हीं भी अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदलकर प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को उसका प्रतिनिधि मानकर उन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।